Assalamualaikum. Welcome to our channel Tour with Taste. मैं शेफ जैजी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, चिकन ग्रिल बर्गर या चिकन स्टेक बर्गर। चिकन ग्रिल बर्गर बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चिकन के दो ब्रेस्ट पीस लिए बोनलेस, फिर हमने उनके दो ब्रेस्ट पीस में से चार फिले हमने चिकन स्टेक्स निकाले, एंड देन हमने विद विनेगर एंड लेमन जूस एंड ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर एंड सॉल्ट, इसके साथ हमने उसको दो घंटे के लिए, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके दो घंटे के लिए उसको डंप कर दिया। एंड देन नेक्स्ट, मैरिनेशन सॉस तैयार करने के लिए, चिकन स्टेक को मैरिनेट करने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, मस्टर्ड पेस्ट, हनी, सोया सॉस एंड रेड चिली पाउडर। लेट्स स्टार्ट मेकिंग मैरिनेशन सॉस फॉर ग्रिल्ड चिकन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने मस्टर्ड पेस्ट लिया था वो हम लेंगे, देन एक टीस्पून हम लेंगे वाइट पेपर, एक टीस्पून लेंगे हम ब्लैक पेपर, एक टीस्पून लेंगे हम गार्लिक पाउडर, एक टीस्पून लेंगे हम सॉल्ट, एंड देन एक टीस्पून लेंगे हम रेड चिली पाउडर। एंड देन अच्छी तरह हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। एक अच्छे पेस्ट की शक्ल में सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप देख सकते हैं। लिक्विड मैंने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने इसको थोड़ा ड्राई रखना है। एंड देन जो मैंने हनी एंड जो मैंने आपको सोया सॉस दिखाया है वो इसके ऊपर हम ड्रेसिंग करेंगे, हनी एंड सोया सॉस की। अच्छी तरह हमें अपने चिकन फ्लेक्स के ऊपर ये मसाला अच्छी तरह इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। मस्टर्ड इसमें अच्छी क्वालिटी का यूज़ किएगा क्योंकि मस्टर्ड नॉर्मली मार्केट से ही अवेलेबल होते हैं। अच्छी क्वालिटी का मस्टर्ड लेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। आप देख सकते हैं कि हमने फ्ले की कटिंग किस तरह की है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर हमारा मसाला पेस्ट हो चुका है। अब हम इसको कम से कम दो घंटे, वैसे आप अगर इसको 4-5 घंटे मैरिनेट रखें तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आपके चिकन के रेशे रेशे में आपके मसाले का ज़ायका आ जाएगा। लेकिन कम से कम दो घंटे तो मैरिनेट करें आप इसको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चिकन को हमारे मैरिनेट हुए हुए दो घंटे हो चुके हैं। एंड नाउ जो मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ, इट्स अ रेस्टोरेंट ट्रिक, प्लीज़ डू अप्लाई। मैंने चिकन जिस वक्त मैरिनेट की, मैंने उस वक्त ऑयल यूज़ नहीं किया। अगर मैं ऑयल यूज़ करता तो हमारा जो मसाला था वो चिकन के ऊपर टिकना नहीं था, वो ऑयल को मसाले को ऑयल नीचे लेके चला जाता। अब दो घंटे हो चुके हैं हमारे, तो दो घंटे बाद मैं इसमें कम से कम 2-3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल इसमें मिक्स करने लगा हूँ, क्योंकि हमें जब फ्राइंग करनी है, इसको ग्रिल करना है ग्रिल पैन के ऊपर, उसमें हमने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना, जस्ट हमें उसके ऊपर ग्रीसिंग करनी है। अच्छी तरह इसको अपने फ्लेस के ऊपर ताकि ऑयल
हर जगह पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी एंड द नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्गर असेंबलिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड बर्गर ब्रेड, चार अदद हमने फ्ले बनाए इसलिए हमने चार बर्गर ब्रेड लिए। एंड द नेक्स्ट ऑनियन रिंग्स हमने काटे हैं जिनको हमने सिरके में डिप किया। देन नेक्स्ट आइसबर्ग सलाद जो हमने बर्गर के अंदर ड्रेसिंग में यूज़ करनी है, सलाद लीव्स एंड विथ सलाद हम सर्व करेंगे। तो हमने ब्लैक विनेगर ड्रेसिंग बनाई है जो कि आपको वीडियो ऑलरेडी हमारी अपलोडेड है, आपको मालूम होगा कि ड्रेसिंग सलाद कैसे बननी है। एंड ब्रेड सॉस पेस्टिंग के लिए हमने जो तैयार किया है, ये सॉस हमने बनाया मायनीज एंड मस्टर्ड पेस्ट के साथ। एंड इसमें जलापीनो हमने चॉप करके डाली। 70-30% का डिफरेंस आपने रखना है, यानी 70% आपने मायो लेनी है एंड 30% आपने उसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड करना है। मिक्स करके आप उसमें, चाहे ऑप्शनल है तो उसमें जलापीनो यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमने लिए हैं कोकम्बर यानी खीरा। अच्छा जी, चेदर चीज़ मोज़रेला चीज़ हमने लिए, हम इसके साथ सर्विंग के लिए यूज़ करेंगे। फ्राइज, पोटैटो फ्राइज, उसके साथ हम बना रहे हैं चिली चीज़ फ्राइज। तो हम इस चीज़ को मेल्ट करेंगे, इसमें भी जलापीनो हम चॉप डालेंगे और चिली चीज़ फ्राइज के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चिकन फिले की फ्राइंग। हाफ फ्लेम के ऊपर हमने ग्रिल पैन को गर्म कर लिया है अच्छी तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लेना है एंड हमने ग्रिल पैन के ऊपर अच्छी तरह उसको ग्रीस कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छी तरह ग्रीस हो गया ऑयल। एंड देन नेक्स्ट हमने चिकन फ्लेस को तीन से चार मिनट हमें इनको एक साइड को फ्राई करना है एंड देन हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारे अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे उसके ऊपर, बहुत अच्छी तरह ग्रिल हो जाएगा। फिर नाउ लेट्स सी, हमारी एक साइड अच्छी तरह फ्राई हो चुकी होगी, ग्रिल हो चुकी होगी, देखें अच्छी उसके ऊपर मार्क्स भी आ चुके हैं। एंड ये याद रखिएगा, देखें जिस तरह से मैंने प्लेट को रखा था आपने उठाना इसी तरह है, तो कभी भी आपकी चिकन ख़राब नहीं होगी ना टूटेगी। एंड इन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोया सॉस एंड हनी, जो कि हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर हमने हनी लिया था, इसमें हम मिक्स करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून सोया सॉस। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया। एंड देन नेक्स्ट इसे हमने करना है अपनी चिकन प्लेट के ऊपर ग्रीसिंग। अच्छी तरह हमें ग्रीसिंग कर देनी है हनी एंड सोया सॉस की। एंड देन द अदर साइड ऑल्सो, फिर भी हमें इसी तरह ग्रीस कर देना है अच्छी तरह चिकन की प्लेट के ऊपर दोनों साइड में, और तकरीबन दोनों को हमें कम से कम 1-1 मिनट के लिए हीट पे पकाना भी है, ज़्यादा नहीं, जस्ट फॉर अ मिनट
हनी पेस्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जी हनी पेस्ट करने के बाद हमारे फ्लेक्स अच्छी तरह दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया। हनी लगाने के बाद कम से कम सिर्फ एक मिनट आपने इसको और ग्रिल करना है एंड देन नेक्स्ट ये रेडी है। यू कैन सी कितना ज़बरदस्त कलर आया। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखिए कितने खूबसूरत हमारे चिकन स्टेक तैयार हुए एंड इसी तरह हम नेक्स्ट दोबारा से अपने पैन पे ऑयल ग्रेसिंग करेंगे। एंड देन जो हमारे नेक्स्ट दूसरे फ्लेज है अब हम इन्हें भी एग्जैक्टली द सेम टेम्परेचर सेम टाइम इसी तरह हम कुक करेंगे। दो से तीन मिनट के बाद हम इसमें फ्राई करेंगे। एंड द अदर हैंड मैंने आपको बताया था कि हम फ्रेंच फ्राइज के साथ चिली चीज फ्राइज के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो नेक्स्ट हैंड पे हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम फ्राइज को फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी दो से तीन मिनट हमारी चिकन को ग्रिल होते हुए हो गए। अब हम इसको साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी देखिए कितने ज़बरदस्त मार्क्स इसके ऊपर ग्रिल के भी आ गए। नेक्स्ट एग्जैक्टली द सेम जो हमने सोया सॉस और हनी जो हमने तैयार किया था मिक्स किया था सॉस बनाया था वही हम दोबारा के ऊपर अप्लाई करेंगे। And the next, exactly the same. Next size will be 8 minutes तक वो भी fry हो जाएगा। इससे भी हम हनी सोया सॉस मिक्सिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी सेकेंड साइज पे भी हमारी टेस्टिंग हो गई हनी एंड सोया सॉस की। एंड द नेक्स्ट हम चलते हैं फ्राइज की फ्राइंग की तरफ। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। एक से दो मिनट में हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं यानी हम पूरी एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। ये समझें एक तरह से ये लैंग्वेज ऑफ किचन है। अदर एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी देखिए चिकन हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ये पीस हमारा तैयार हो चुका है। देखिए इसका कलर अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे चिकन फ्लेक्स तैयार हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू असेंबल आवर बर्गर। बर्गर को किस तरह असेंबल करना है किस तरह हमें सॉस को अप्लाई करना है लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रेड को अपने टोस्ट कर लिया। बेक ओवन में हमने इसको टोस्ट किया। सबसे पहले जो हमने सॉस मैंने आपको तरीका इसको बताया स्टार्ट में जो सॉस हमने तैयार किया था विद मायो मस्टर्ड पेस्ट जलापीनो एंड चिली फ्लेक्स के साथ अच्छी तरह हमें अपने ब्रेड के ऊपर इसको पेस्ट कर देना दोनों साइड्स पे। बहुत ही ज़बरदस्त सॉस होता है ये। इंशाल्लाह आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और जलापीनो इसमें और एक ज़बरदस्त मज़ा क्रिएट करती है। बहुत ही मज़े की लगती है इसके साथ। एंड नेक्स्ट जो सलाद
लीव्स हमने लिए थे, इस तरह हमने अपनी एक साइड पे लगा देना है। एंड जो आइसबर्ग सैलेड हमने ली थी चॉप, वो भी हमें इसमें लगानी है। एंड देन नेक्स्ट आएगा हमारा चिकन फिले, इसके ऊपर भी हम सॉस थोड़ा पेस्ट कर देंगे। ये भी ऑप्शनल है, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। एंड देन नेक्स्ट जो हमने ऑनियन रिंग्स लिए थे, जिनको हमने सिरके में डिप किया था वाइट विनेगर में, दो से तीन रिंग या जितने भी आप चाहते हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये इसके साथ, इसलिए मैं ये ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट हमारा बर्गर टॉप कवर आएगा, एंड फॉर हैंडलिंग हम स्टिक यूज़ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखिए ये है हमारा चिकन ग्रिल बर्गर। इसी तरह जी हम अपने नेक्स्ट फ्लेस एंड बर्गर भी इसी तरह असेंबल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे चिली चीज फ्राइज भी तैयार हो चुके हैं, हमारा प्लेटर भी तैयार हो चुका है। सर्व किस तरह करना है, लेट्स सी। ये है हमारे चिली चीज फ्राइज। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये था हमारा बर्गर। वन थिंग मोर, जब तक जर्मनी में तो प्लेट मैसी ना हो, जब तक खाना नहीं शुरू होता यहाँ पे, तो इसलिए ये हमें आदत हो गई है। तो जी ये था हमारा चिकन स्टेक बर्गर, चिकन ग्रिल बर्गर। आप देख सकते हैं, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको ये पूरी रेसिपी पसंद आएगी। ये था जी हमारा चिकन ग्रिल बर्गर, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। एट द एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज में मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज आपके लिए लेके आता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।